कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सुभारती मेडिकल कॉलेज के निकट जैन शिकंजे रेस्टोरेंट की जमीन पर कब्जे को लेकर मेरठ पुलिस ने सभी कायदे कानून ताक पर रख दिए। बिना किसी कोर्ट का आदेश के SP क्राइम ने दूसरे पक्ष को भारी फोर्स देकर कब्जा लेने के लिए भेज दिया। यहां मारपीट हुई और फिर टीपी नगर थाने में पुलिस की मौजूदगी में देख लेने व भुगत लेने की धमकियों का दौर चला। यह भी कहा गया भाजपा नेता हूं, देख लूंगा। आज जैन शिकंजे रेस्टोरेंट के संचालक जगदीश कुमार SSP से मिले और खुलकर आरोप लगाया कि SP क्राइम अनित कुमार उन पर समझौता करने वे अपनी जमीन पंकज गोयल आदि को देने का दबाव बना रहे हैं। बीते दिवस भी SP क्राइम ने बिना कोर्ट के आदेश वहां पुलिस भेजी और रेस्टोरेंट पर कब्जा कराने की कोशिश की। जगदीश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग जबरन उनके संपत्ति पर कब्जा करने आए थे पुलिस ने उनकी तो रिपोर्ट दर्ज कर ली लेकिन पीड़ित पक्ष की नहीं। बकौल जगदीश कुमार पुलिस कप्तान ने उन्हें न्याय संगत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले देखिए मेरठ देहरादून बाईपास स्थित जैन शिकंजी रेस्टोरेंट पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस। इसके बाद शाम को टीपी नगर थाने में दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में कहा सुनी हुई। आज SSP से मिलने के बाद ऑफिस के बाहर जगदीश कुमार ने यह जानकारी मीडिया को दी। बाबूजी परिचय दे दीजिए अपना, फिर बता दीजिए क्या मामला जो आप यहाँ पर। मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं गांव पुट्ठा थाना टीपी नगर का रहने वाला हूँ। मेरी कुछ जमीन दिल्ली हरिद्वार बाईपास पर है जिसमें मेरा जैन शिकंजी के नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है और एक टाइल फैक्ट्री चल रही है। पिछले 4 वर्षों से मैं उस पर लगातार कार्यरत हूँ। 5 साल पहले मैंने वो जमीन खरीदी थी, उसका मोटेशन भी है, कब्जा भी है, उसी दिन से काबिज चले आ रहे हैं, अपना व्यापार करते चले आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 वर्ष से हमारे सह खातेदार जो पूर्व में हमारे पार्टनर भी हैं जान से जान वाले, उन्होंने उस जमीन पे हिस्सेदारी मांगने का मेरे पर अनऑफिशियल दबाव बनाया। जो पूर्व में सह खातेदार भी थे वो अपना हिस्सा बेच चुके हैं संपूर्ण, उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं है, फिर भी वो मेरे पे अनैतिक दबाव बनाने लगे कि आपने अकेले ये ज़मीन क्यों खरीद ली, इसमें हमें हिस्सा चाहिए। मेरे मना करने के बाद उन लोगों ने 2 फरवरी 2023 को एक फर्जी बैनामा अपने व्यक्तियों के नाम अलग अलग 5-6 बीघे का कराकर उस बैनामे के सहारे मेरे पे दबाव बनाने लगे, फिर वो कोर्ट में डाले। सारे मामले सिविल में विचाराधीन हैं। अब इन्होंने पुलिस से साठगांठ कर बार बार मेरे को SP क्राइम के पास जांच के नाम से बुलाया जा रहा है और वो धमकी दे रहे हैं कि या तो इनको ज़मीन दे दो समझो तो नहीं तेरी ज़मीन ख़राब हो, तेरे पे इतने मुकदमे लगा दूँ। जब मैंने उनका नहीं माना तो कल उन्होंने फोर्स भेज के ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास करा। कल वहाँ पर 50-60 लोग JCB लेके पहुँचे जिसमें वहाँ विरोध हुआ और झगड़ा हो गया। कप्तान साहब से मिलो, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब से बोले हैं तो वो कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो लोग हमारे पास जाकर करने आए उन्हीं का अभी तक रिपोर्ट दर्ज हुआ है। हमने भी अपनी तहरीर दी, हमारा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। वो हमारे घर पर आए, हमला करा और रिपोर्ट उनकी दर्ज हो रही है, हमारी अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी गई है। बुढ़े कौन लोग लेके आए थे? वही दूसरे पक्ष लोग जो कब्जा थे, उसमें से पंकज गोयल, प्रवीण बंसल और 50-60 लोग और। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।